अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वेन विल हिंदू वेक अप, फेस टू फेस रिजवान सर का वीडियो है और बहुत ही चिंतित वीडियो है। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो आज आप वीडियो यानी संडे को देख रहे हैं, ये सैटरडे इवनिंग को रिकॉर्ड हो गया था। तो आई रियली डोंट नो विनेश पोगट का क्या फैसला आया है, लेकिन मैं अपना तर्क सैटरडे वाले वीडियो में दे चुका हूं कि जहां तक मैं मानता हूं कि सिल्वर मेडल उसको अवार्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं मंडे ट्यूसडे में जो वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, अगर वो आर्गुमेंट हो जो मेरे मन में एज अ लॉयर है। अब कल मैंने वीडियो में एक बात बोली कि चुप क्यों हो जो अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करी, उस पर बात करेंगे। कहां हम लोगों से गलती होती है, भारत से, हमारी, हमारे समाज से, वो बात करेंगे। मेडल जीतने पर खेल में जो दुश्मन मुल्कों से हम लोगों का बेजा बिना किसी वजह का जो प्यार झलकता है, उस पर बात करेंगे। 100 किलो लोहे की बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो कल भी मैंने बोला था, आज भी इस बात को दोहरा दूं कि भैया जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, सेकुलर राजनीति है, वो अपनी राजनीति क्लियर कर चुकी हैं कि किसके मरने पर हम मातम करेंगे, किसकी लिंचिंग पर हम करेंगे, किसके मरने, किसके लिंचिंग पर हम मातम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से अपना कोई वोट बैंक सेट कर लिया है और वो उसमें बड़े खुश नजर आते हैं। तो भैया तुम भी अपना कोई वोट बैंक सेट कर लो, तुम भी ये तय कर लो कि इन लोगों ने जिता के हमें 2014 में भेजा था, इन लोगों ने जिता के हमें 2019 में भेजा था। आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिए। ये हम नहीं कह सकते कि एक ही वर्ग को जिसने आपको वोट दिया आप सिर्फ उसको अपनी प्रायोरिटी बना लें, लेकिन जीवन में हर तरह जैसे राजनीति में आप प्रायोरिटी सेट कर लें कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। मौके पर आप भी चुप हो जाया करो, क्या प्रॉब्लम है। पहला तो यह बात थोड़ा मैंने विस्तार से बता दिया। अब जो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पर, कल मैंने वीडियो में बता दिया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की गुहार और हमारे भारत के मुस्लिमों की गुहार कैसे फ़र्क है, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई में जो हमने खून बहाया था उसका लड्डू लेके दो निकल गए और तीसरा दक्षिण भारत में भी लेने जा रहे थे अगर उनका पिछवाड़ा ना तोड़ा जाता। उन भाइयों ने जो आज़ादी के लिए खून बहाया, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों ने, उनको उन्होंने अपनी आज़ादी के एवज में लड्डू नहीं मांगा, ये सोच के कि मुजीबुर रहमान ने सेकुलर बांग्लादेश डिक्लेयर किया था, वादा किया था, और 90 आते आते जनरल इरशाद के टाइम पर अपनी औकात दिखा दी और उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे हिंदू भाइयों, उनके लिए कुछ तो हम कर ही सकते हैं। दिल्ली में कैंडल लाइट मार्च ही निकाल सकते हैं। आप सोचो अगर आप 10,000 आदमी कैंडल लाइट मार्च वहाँ पे दिल्ली में निकाली जाए, मेन सिटीज़ में निकाली जाए, तो कितना अच्छा मैसेज जाएगा। पर वो करने की बात नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से कितना अच्छा मैसेज जाएगा। या ये बात है कि शायद ये जनता शायद मान चुकी है कि राजनीति का नेतृत्व और धर्म का नेतृत्व दोनों एक ही जगह से कंट्रोल होंगे। जहां तक मैं बात बोल रहा हूं, कैंडल लाइट की बात बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आजाद मैदान में जाकर जवान ज्योति तोड़ दीजिए या कहीं पत्थर चला दीजिए। वो भी एक अति है, वो भी एक प्रकाष्ठा है, वो भी एक बेशर्मी है। और सड़कों पर हम लोग बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए एक बड़ा कैंडल लाइट 5-10 हज़ार आदमी का भी नहीं निकाल पा रहे, शांतिपूर्ण, फिर से बोल रहा हूं, हाँ, ये भी एक तरह की प्रकाष्ठा है और बेशर्मी है। और एक बड़ी मुझे बेशर्मी लगती है, अभी हमारे भाई ने जैवलिन में सिल्वर मेडल भी जीता, उनको लाख लाख बधाई। जब स्पोर्ट्स में हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क से कितना प्यार करते हैं ना, बिछ जाते हैं, आओ हमारे ऊपर से निकल के चले जाओ, क्योंकि हम लोग बड़े मोहब्बती लोग हैं, सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। तो भैया वो भी इनका हमारा बच्चा ही है जो वहाँ पर जीता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो पिछले 50 दिन में 14 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता के सपूत, यार उनके लिए किसी ने नहीं बोला कि वो भी हमारे बच्चे की तरह थे।
और उनके लिए किसी ने नहीं बोला कि हमें उनके मरने से उतना ही दुख है जितना हमें हमारे बच्चे के लाल के मरने पर होता। और जिस दिन देश ये बोलने लगेगा कि हमें उन 14 शहीदों, वो 14 शहीद हमारे बच्चों की तरह थे, मैं कोई उत्तेजित करने वाली बात नहीं करता, बड़ी बैलेंस्ड बात करने की कोशिश करता हूँ, और वो हमारे बच्चों की तरह थे और उनकी माओं का हम दर्द समझ सकते हैं क्योंकि हम भी माँ हैं। जैसे अभी नीरज भाई की मदर को लगा कि वो जो बॉर्डर पार बच्चा है वो भी उनका लाल है, बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन शहीदों का सम्मान भी होना चाहिए और शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस देश ने टीचर्स की, एकेडमिक्स की, अध्यापकों की इज्जत नहीं करी और शहीदों की इज्जत नहीं करी, वो देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता, ना अंदर से हो सकता है ना बाहर से हो सकता है। ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। तो भैया उनके लिए भी कोई आंसू बहा देता और कह देता और कितना अच्छा लगे। देखो उस तरह तो पागल नहीं हो सकते कि कैसे कुछ मुस्लिम मुल्क आके कह रहे हैं इसराइलियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, इस पर ये भी हुआ है पेरिस में, वो तो पागल हैं, उनकी बात ना करो। ऐसी अति भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलना है, आपको साथ खेलना पड़ेगा, स्प्रिट में खेलना पड़ेगा, मौके पे साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचानी पड़ेगी, हाथ भी मिलाना पड़ेगा। देखो मैं कितनी बैलेंस बात करता हूँ, मैं उन वैसा थोड़ी पागल हूँ जो कहते हैं नहीं हम इसराइलियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक ये करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा प्यार मुझे अच्छा नहीं लगता एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं कभी भी किसी जीत और हार की भावनाओं में बह के कोई अपना अपना स्टेटमेंट या अपना वीडियो या कोई डिबेट में जाकर नहीं बोलता हूँ। मैं एक्साइटेड एक्साइटमेंट में या गुस्से में अपना कोई ओपिनियन चेंज नहीं करता हूँ। तो यार अगर जैसे हमारे नीरज भाई देखिए जीते, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको जीते ही मानता हूँ, तो वो कितना अच्छा लगता है वो बयान देते कि जो ये मेरा जो पाकिस्तान से मेरा भाई जीता है ये भी मेरे भाई की तरह है, और पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए जिससे हमारे भारत माता के सपूत अपना खून बहा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता। और क्या ये बोलना कोई गलत बात होती, क्या ये कोई बदतमीजी होती, नहीं होती ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जी लेती और तुम बात भी कर देते। जब भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो मैं तो कहता हूँ खेलो खेल लो, अगर तुम जीतो या हारो जब तुम्हारे सामने माइक लगाया जाए तो उनको शुभकामनाएं दो, अगर वो जीते हैं उनका हौसला बढ़ाओ, अगर वो हारे हैं ये भी करना चाहिए, मैं तो बहुत बैलेंस्ड आदमी हूँ यार, हाँ वंडरफुल करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी बोलो कि आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी के इस समय जो हमारी स्पोर्ट्स स्पिरिट है या हम लोगों को आपस में अगर लड़ना चाहिए तो वो खेल के मैदान में लड़ना चाहिए, ना कि जंग के मैदान में, ना कि बॉर्डर में, एंड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये ख़त्म होना चाहिए। हो सकता है इसका जवाब उधर से भी आए, आने दो आने दो, आएगा तो मुझे इसमें भी खुशी है क्योंकि ये चीज बार 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 हर मंच पे, खेल के मंच पे, फिल्म के मंच पे, शोबिज के मंच में, कोई भी हो, चलो करो तुम पाकिस्तानियों के साथ काम कर लो, ये बोलते रहो, इतना ही तो, इतना तो कर सकते हो बेशर्म हो तुम, या इतना भी नहीं कर सकते जितना रिजवान अहमद बोल रहा है। कहीं किसी स्पिरिट को मैं खराब कर रहा हूं, खंडित कर, उनको भी बोलने दो, वो तुम बोलोगे तो वो भी बोलेंगे, अरे वो बोलेंगे तुम बोलोगे तभी तो चीज और मंच पे आएगी, ग्रे एरिया में तो वो हैं, हम थोड़ी हैं, दुनिया तो उन्हीं जानता है ना कि उनके क्या करतूत हैं, हम थोड़ी हैं, बोलने दो उनको, वहां तो ये वाली बात आ जाएगी कुत्ता भौंका हाथी अपनी चाल चला, लेकिन अब तुम बोलोगे तो परेशानी खड़ी होगी। तो कम से कम यार प्यार है, बड़ी अच्छी बात है, बॉर्डर पार भी नीरज की मम्मी का बेटा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 14 शहीद हुए उनको भी आप बेटा बना लीजिए, बस इतनी सी बात है, बड़ा सम्मान है आपका, चरण स्पर्श से कहीं मिलेंगे मैं आपके पैर छूंगा, आपने इतना बहादुर बच्चा जना जो भारत को इतनी शौहरत दे रहा है, जीत के ला रहा है, लेकिन जो 14 शहीद हुए उनको भी अपना बच्चा डिक्लेयर कर दीजिए और उनके नाम पर कुछ बोल दीजिए। इसी तरह एक सोसाइटी डेवलप करती है, ये एक सोसाइटी का धर्म होता है, मजहब होता है, फ़र्ज होता है, वाजिब होता है, नैतिक होता है कि देखो मैंने पूरी अपनी इस आज के इस वीडियो में कहीं नहीं कि पाकिस्तान को जूते मारो, मैंने कहा जंग करो, मैंने कहा इन सालों के साथ क्यों खेलते हो, मैंने कहा नीरज ने उसके साथ फ़ोटो क्यों खिंचाई, मैंने कहा नीरज का उससे भाईचारा क्यों है, मैंने कहा कि उसकी माँ को उसमें अपना लाल क्यों नज़र आया, कहा नहीं कहा, लेकिन जितना कहा उतना जब देश नहीं करता तो बेशर्मों का मुल्क कहलाता है वो। अब यार तुम इसे मानो या ना मानो इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर ये बता। और उस दिन जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि यार हमें कोई प्रवोक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हिंदू भाइयों को नुकसान होगा, तो असल में बड़ी भरी हुई हैं बोल कुछ और रहा हूँ लेकिन ध्यान मेरा कुछ और है, मेरी बहुत भरी हुई हैं
कि बॉर्डर पार भी लोगों को अपना बच्चा नज़र आता है और 14 शहीदों में अपना लाल नज़र नहीं आता है। एनीवे चलो भाई, हम ही हो सकता है पागल हूँ जो इन सब बातों को रात में बैठ के सोचते रहते हैं। तो मेरे देशवासियों, आप लोग 100 किलो लोहा हो, समझ रहे हो ना, 100 किलो में क्यों बोल रहा हूँ, 100 लगभग 100 किलो लोहा हो आप। तो जो मैंने कहा कि नहीं, बॉर्डर बांग्लादेश को प्रवोक नहीं करना चाहिए, उसके बहाने से वहाँ पे हिंदू भाई मारे वारे जाएंगे, ये भी एक मेरा मजबूरी का सौदा है। ये जो मेरा ज्ञान है, ये भी एक मेरी मजबूरी का सौदा है, क्योंकि यार जो ये 100 किलो है ना, ये बड़ा जंख लगा हुआ, जंख लग गया है इसमें, जंख है इसमें, मानो या ना मानो, 1000 साल से जंख है। तब 100 किलो नहीं था, वो तो एक नॉर्मल रूटीन में पढ़ते पढ़ते 100 हो गया, लेकिन जंक है। आधा से ज़्यादा तो लोग इस लोहे को काटी के ले गए, उस पर अपनी मोहर लगा दी, मेड इन अफगानिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश, अपनी मेड इन इंडोनेशिया, ये सब तुम्हारा ही तो लोहा था जो कट कट के चला गया तुम्हारी वसुधैव कुटुंबकम के मारे। और उसके बाद अभी भी इसमें जंक है, और जो बुजुर्ग लोग कहावत बोल गए ना, लोहे लोहे को काटता है, अंदर अंदर ये लोहा अभी भी लोहे को काट रहा है, इसलिए ये मजबूरी है। तो दूर से तो ये तुमको इतना बड़ा मूल, कितनी बड़ी आर्मी, ये सब नज़र आता है, लेकिन पास से आर्मी के पीछे नीतियाँ भी होती हैं, समाज का, विपक्ष का बल भी होता है, तभी तो फौज लड़ती है। हौसला तो उसको हम लोग देते हैं लड़ने का, हिम्मत लड़ने की वो अपना वहाँ से लेके आता है, प्रोत्साहन हम ही देते हैं, जनता देती है, यहाँ की सत्ता देती है, विपक्ष देता है, यहाँ का एकीकरण देता है, वो है नहीं। तो दूर से जो तुमको ये 100 किलो, मैं 100 किलो लोहे की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा जो इधर उधर फुटकर पड़ा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो 100 किलो लोहा है, इसको ही अगर तुम पॉलिश कर लो, शाइन कर लो, तो यही देश की शक्लो सूरत अलग हो जाएगी। अरे इधर ईस्ट का छोड़ो, वेस्ट वाला हिम्मत नहीं करेगा हाथ लगाने की, हाथ लगाने की। पश्चिम की जो गंदगी है हमारी पड़ोस में, वो हिम्मत नहीं करेगी हाथ लगाने की। तो आप में ये चीज है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो फिर उसी के ये नतीजे हैं, और तभी ऐसी एडवाइस दी जाती है कि भैया प्रमुख ना करो, ये ना करो, वो ना करो, वरना साला किसकी हिम्मत। अगर ये 100 किलो लोहा मौके पर, भले आपस में कुछ खटपट चलती रहे, पर ये 100 किलो लोहा अगर मौके पर एक हो जाए, तो यार फिर किसकी क्या हिम्मत जो छू भी दे, छू भी दे, ये हिम्मत नहीं है किसी के आसपास, किसी की हिम्मत नहीं है। बहुत जलवा होगा देश का, बहुत दहशत होगी इस देश की। तो यही है, बस यही का है आज का वीडियो, कि मेरे भाई जितना स्पोर्ट्स के नाम पर पड़ोसियों से प्यार करना है, अपना लाल बनाना है, अपना बच्चा बनाना है, यहाँ के शहीदों से भी प्यार करो, और जितना इस 100 किलो के लोहे पे पॉलिश कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो। सरकार भी ये कोशिश करे, सरकार भी कोशिश करे, विपक्ष भी कोशिश करे, इतना ही बस कहना चाहता हूँ। और अगर ये लोहा एक नहीं हो पा रहा है, तो जो तुम्हारा हिस्सा है इस लोहे में, जो तुम्हारा हिस्सा है, उसी को फिर इतना पॉलिश कर दो, बाकी की फिक्री ना करो, फिक्री ना करो, उसी को इतना पॉलिश कर दो, 40 किलो को, 45 किलो को, समझ रहे हो ना मोदी जी, इतना पॉलिश कर दो, इतना मजबूत कर दो, इतना उसको जोड़ दो आपस में, कि ये 45 किलो लोहा भी पूरी दुनिया पर भारी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था रिजवान सर का, बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों ने अपना अपना वोटर सेट कर रखा है और अपना अपना दिमाग सेट कर रखा है, अपना नैरेटिव कि ये कांट होगा तो इसके लिए हम मुजम्मत करेंगे, यहाँ पे ये लोगों का कांट होगा तो ये, कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू के साथ जो हो रहा है अत्याचार, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और किसने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, वो कह रहे हैं कि भाई ये वहाँ का और वहाँ के देश का मसला है, वहाँ के हिंदुओं का मसला है। जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें उठल पुटल ज़रूर हो जाती हैं, तो इस पर इतना वबेला और शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और बहुत सारे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रॉपर आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ के जो हिंदू है उसको सेफ रखा जाए, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन सियासत जो है इस चीज़ के भी आड़े आ जाती है कि किस चीज़ पर हमने मजम्मत करनी है, किस चीज़ की हमने मजम्मत नहीं करनी। हमारे पक्ष में जो चीज़ें हैं, हमने अगर वक्फ बोर्ड पर
बिल लाया जा रहा है तो उसकी मजम्मत करनी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा वोटर बैठा हुआ है और वहाँ पे अगर बांग्लादेशी हिंदू को मार काट हो रही है तो उसकी हमने मजम्मत इसलिए नहीं करनी कि वो उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है, हमारे वोटर को उससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे रिजवान साहब ने की कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उनको कोई अपना बेटा नहीं कहता, ये नीरज चोपड़ा की माँ ने कहता वो तो गोल्ड जीत गया वो भी हमारा ही बेटा है। देखिए दुश्मनियाँ होती हैं घरों में, खानदानों में, मुल्कों में, लेकिन ये जो माएँ हैं वो दुश्मनियाँ नहीं सिखाती। ये चीज़ें हैं, यहाँ भी जवान शहीद होते हैं, यहाँ उससे ज़्यादा जवान शहीद होते हैं रिजवान सर, लेकिन यहाँ भी किसी ने कभी नहीं कहा कि वो भी हमारी ही माओं के बेटे हैं। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये उनका कर्तव्य है, उन्होंने निभाना है, ये उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है अपने मुल्क पे जान निछावर करके अपनी मुल्क की हिफाजत करना। ये उनके लिए जो प्राइड ये है, ये किसी और तमगा और मेडल लेने की उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पर। उनको जो प्राइड इस चीज़ से मिलता है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपले दर्जे पर है, क्योंकि वो अपनी धरती माँ पर अपनी जान तक को निछावर कर देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी उनसे दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, या उनसे कोई नफरत नहीं सिखाता, उनसे भी मोहब्बत ही सिखाते हैं। और ये अगर कहीं से कोई थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका आता है तो उसके लिए भी दरवाज़े बंद करने की कोशिश की जाती है कि यार देखें बंद करो जी, वो फलानी तो फलाने के लिए तो कभी नहीं कहा किसी ने, फलाने के लिए तो किसी ने कहा। तो यही वो चीज़ है कि बरसों तक अगर ये जो नफरत सिखाई गई है लेकिन उसकी माँ के दिमाग पर वो असर नहीं रखती, वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहे हैं ढमका, और मैंने जो अरशद के लिए बात कही है वो दिल से ही कही। और एक माँ ही ये कर सकती है, वो दिल से बात कर सकती है। अब उस पर चाहे जितने मर्जी लोग आ जाए क्रिटिसाइज़ करें कि आपने कश्मीर के लिए तो कोई नहीं कहा कि वहाँ पर जो हमारे जवान शहीद होते हैं, या हम कहें कि हमारे बॉर्डर पर जो लोग हैं उनको कभी TTP आके मार जाता है, कभी कोई आके मार जाता है, कभी कई रॉ का एजेंट आके मार जाता है, इल्ज़ाम ही लगते हैं ना, वहाँ पे भी इल्ज़ाम ही लगते हैं, सबूत तो नहीं है किसी के पास भी, तो उस पर भी कभी किसी ने कोई ऐसी नहीं की। लेकिन जो वो चीज़ कर रहे हैं वो सबसे बढ़ कर है, वो अपने देश की हिफाजत के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर रहे हैं, उनका जो प्राइड है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं कह सकता कि यार हमें इनसे कोई मसला नहीं है, ये तो बस अपनी ड्यूटी करते हैं, पैसे लेते हैं और इनका ये काम है। नहीं, वो अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाते हैं, अपनी जान तक को कुर्बान करते हैं अपने देश के लिए, उनसे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन उसमें इस नफ़रत को मिक्स करना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, और यही गलती आज से नहीं, ये 1947 से चली आ रही है। यही तो वजह है कि एक ही घर होते हुए तो हमारे आपसी संबंध ऐसे हैं कि हम एक दूसरे को दुश्मन मुल्क कहकर बुलाते हैं, दुश्मनी की है, दुश्मन है जी हमारे, पता नहीं कौन सी दुश्मनियाँ हैं, कौन सी ज़मीनें सांझी हैं जिस पर हमने बंटवारे हैं और नाखुश हैं, और वो कश्मीर को लेकर ही है, और क्या है बीच में पाकिस्तान और इंडिया के। देखिए कि बात यही है कि हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत की है, खेल को हमने जो है वो प्रमोट नहीं किया है। यही चीज़ें हैं कि वहाँ देखे कि वो जो क्या लड़की का नाम था जो डिस्क्वालीफाई हुई है फाइनल के लिए जाके, लेकिन उसके लिए भी वो जिम्मेदार उसके ऊपर भी वो जो है वो सियासत के कर रहे हैं क्योंकि ये क्यों वजन बढ़ा, ये किसकी गलती है, ये किसने ऐसे कर दिया, ये वजन बढ़ना नहीं चाहिए था, इसको 55 किलो के लिए खेलना चाहिए था, ये 50 के लिए क्यों खेली, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, लेकिन जो है वो हौसला अफजाई किसी ने नहीं की। हाँ ये देखे कि ये वो जो अरशद नदीम के लिए बयान दिया उसकी वालदा ने, तो वो देखे कि उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप उसके वो बेटे को अगर अपना बेटा कह रहे हो तो जो हमारे जवान शहीद होते हैं वो किसी ने नहीं आज तक कहा कि भाई जो वो शहीद हुए जिन्होंने वो जिनको वो एहसास मिला है कि वो अपने वतन के लिए जो है अपनी जाने जिन्होंने कुर्बान कर दी हैं उनको कभी नहीं कहा कि भाई वो भी हमारे बेटे हैं। नहीं भाई, उनको भी कहते हैं कि वो हमारे बेटे हैं, लोग कहते हैं, ये नहीं कि ये सभी एक जैसे ही हैं, पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, उनको भी कहते हैं कि भाई जो हमारे वतन के लिए जिन्होंने अपनी जाने कुर्बान कर दी हैं, उन माओ को सलाम है जिन्होंने अपने लाल जो है अपने वतन के ऊपर जो है वो कुर्बान कर दी हैं, और उन जवानों के लिए उनकी हिम्मत के लिए कि वो कितनी बहादुरी से अपनी वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया उन्होंने। यही चीज़ें हैं कि हमको जो है वो सियासत जो है वो एक साइड पर रखनी चाहिए, स्पोर्ट्स जो है वो एक साइड पर रखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी स्पोर्ट्स है वो सियासत के बगैर अब चल ही नहीं रही क्योंकि उनकी सियासत जो है वो उनकी सियासी दुकान जो है
वो स्पोर्ट्स मैन के बगैर जो नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको चाहिए फ्रंट पेज पे आने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए, कोई ना कोई वजह चाहिए, तो फ्रंट पेज पे आने के लिए जो है वो ऐसे ही फिर जो है वो खिलाड़ी जो है वो चैंपियन जो है उनको फिर वो ढूंढते हैं कि भाई ये बंदा जो है इसको हम फ्रंट पेज पे अगर लाएंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम फ्रंट पेज पे खुद ही खुद आ जाएंगे। इसलिए सियासत को ऑटोमेटिकली जो है उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स में घुसा दिया है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हालांकि जो स्पोर्ट्स मैन है उनको जो है वो मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, आप देखिए कि हमेशा से ये चलता आ रहा है, और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को जो है ना वो प्यार मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर उनका कंटेंट है। और कुछ यूट्यूबर हैं जो सिर्फ नफ़रत को बेचना चाहते हैं, और उनको पता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ नफ़रत ही सुनना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का नाम लेना जो है ना वो हमारा जो है ना व्यूवरशिप को नुकसान पहुँच सकता है। तो फिर उसके ऊपर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात तो करनी होती है। तो ऐसा करने से नफ़रतें जो हैं, देखिए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 4 जंगें भी हो चुकी हैं और भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीपल्स टू पीपल्स हैं, जो अपने आप एक दूसरे के लिए बात करते हैं, उनके दिलों से कोई भी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सका। हाँ, जो नफ़रती हैं उनकी नफ़रत भी कोई ख़त्म नहीं कर सका, और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनकी मोहब्बत भी कोई ख़त्म नहीं कर सका, और ना ही कोई कर सकेगा, चाहे वो रिजवान सर हो, चाहे वो सुल्तानी हो या कोई और हो, अपनी हर एक की राय हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को कहीं से कहीं मिसाल बनाकर पेश कर देना ये गलत बात है, इसको मुनाफ़कत कहते हैं। और देखिए कि जो जो नौजवान हैं जो सरहदों पे पहरा देते हैं और अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, उनके लिए जो जो चाहत है, जो मोहब्बत है, जो उनकी कदर है, वो अपने हर किसी की हर माँ के दिल के अंदर, वो ना तो नीरज चोपड़ा की हो सकती है, ना ही अरशद नदीम की हो सकती है, ना ही तेंदुलकर की हो सकती है, ना ही बाबर आजम की हो सकती है। तो चीज़ें यही हैं कि उनकी तुलना स्पोर्ट्स के साथ करके उनके मियार को कम मत कीजिए। उनका जो मियार है, जो उनकी जो मोहब्बत है, जो शान व शौकत है, वो अलग है। वो जो जो सिपाही खड़े हैं सरहदों के ऊपर, उनकी जो मोहब्बत है हर किसी के दिल में, वो निकाली नहीं जा सकती, और उनकी तुलना इन जैसे चीज़ों से करना ये भी उनकी तौहीन है। और आप अपनी व्यूवरशिप के लिए, अपनी जो है ना सियासत के लिए, या अपनी एक कंटेंट के लिए ऐसी मिसालें एक दूसरे के साथ देना ये गलत बात है। देखिए, एक माँ ने अगर कह दिया कि वो भी अपना ही बच्चा है, हमसाया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। उनको नहीं कहा जी, उनको भी कहते हैं आप पूछिए जाके कि भाई जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं। तो कोई माँ ऐसा नहीं कहती, हर माँ का जो है ना वो हर बच्चे को अपना ही समझती है जो माँ होती है, और जो माँ नहीं होती वो फिर जो है ना वो जो मर्जी कहती रहे। लेकिन आज तक किसी माँ का कोई ऐसा बयान भी सुनने वो नहीं आया। बिल्कुल नफरत है जी, देखिए जी, नफरत दुश्मन मुल्क है जी, उसके लिए जाओ, लेट जाओ जी, आओ जी हमारे ऊपर से गुजर जाओ। तो भाई ये चीज़ें हम भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि आप जितनी नफरत आपके लिए आपके पढ़ाई गई है ना, उससे ज़्यादा कई गुना, हज़ार गुना ज़्यादा हमें पढ़ाई गई है, हमारे तो DNA में शामिल की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ से प्यार और मोहब्बत का पैगाम जाता है, तो फिर कोई भी इसका मतलब है, नफ़रतें जितनी मर्जी पढ़ा ली जाएं, लेकिन मोहब्बतों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, जहाँ पे पहली बार मिलते हैं नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, तब से ही उनकी दोस्ती है, तब से ही वो एक दूसरे को इज्जत देते हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि दोनों ही एक खित्ते के हैं, दोनों ही एक जगह के हैं, दोनों का DNA सेम है, दोनों की बात करने का लैंग्वेज हर चीज़ सेम है, एक दूसरे की भावनाओं एक्सप्रेशन को वो समझ जाते हैं, भांप जाते हैं, इसलिए आपस में, और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ, कौन बाकियों के साथ क्यों नहीं होगा ये चीज़ें। लेकिन वजह सिर्फ यही है कि जहाँ पे भी कहीं भी दुनिया के किसी स्टेज में जब दो ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो इसकी भावनाओं को समझ सकें, वो आपस में ज़रूर दोस्तों की तरह रहते हैं, उनमें आपस में प्यार मोहब्बत होता है ज़रूर, और वो फिर आगे बढ़कर उनकी माँ तक अगर बात चली जाए तो ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इसको अगर कोई भी रोक लगाने वाला हो तो रोक लगा नहीं सकता, चाहे मर्जी जितनी मर्जी सरहदें ऊंची कर ले, जितनी मर्जी बाड़े लगा ले, जितने मर्जी कनेक्शन आपस में ना रखे, इन चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। आज ना कोई इंडिया से पाकिस्तान आना चाहता है, ना कोई पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहता है, ऐसी रोकें लगा रखी है, नफ़रत भी खुलेआम सिखाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी माओं का ये हाल है, कहें कि वो मेरा ही बेटा है, तो समझ लें कि फिर वो जो नफ़रत पढ़ाने और सिखाने वाले थे वो फेल हो चुके हैं। तो इस चीज़ को सिर्फ समझना चाहिए, बाकी कोई किसी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, ना ही कोई इंडिया ने पाकिस्तान में आकर कहना है कि भाई अरशद नदीम
तुम्हें अगर पाकिस्तान हुकूमत सपोर्ट नहीं करती तो ये लो जी हम करते हैं, हम यहाँ पे एक ओलंपिक की फेडरेशन बना देते हैं जिसके लिए पैसा इंडिया से आएगा और हम इसके करेंगे, ऐसा कोई नहीं होना, ना किसी ने करना। ये एक चंद मीठे बोल हैं जो हर किसी के दिल पर असर कर गए हैं, शायद चंद पे ना कर गए हूँ। मैंने कल एक इंडियन सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी और उसमें किसी स्पोर्ट्स एथलीट का बता रहे थे कि उसने इतने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं क्योंकि उसने अपने जो मुकाबिल खिलाड़ी को अपना दोस्त नहीं बनाया। तो हमने एक ही गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, और हमने अपने जो मुकाबिल खिलाड़ी को अपना दोस्त और भाई बंधु बना लिया है, इसलिए हम अगले ही अटैम्प्ट में फेल हो चुके हैं। तो ये जो अपने ही खिलाड़ी की जो मेहनत है और वो इंजरी के बावजूद भी वो रनर अप है, इंजरी के बावजूद भी वो सिल्वर मेडल ले आया, और ये सिल्वर मेडल हासिल करना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर मेडल तक पहुँचने के लिए, बल्कि उस मुकाबले में पहुँचने के लिए लोगों की सांसें और टांगें फूल जाती हैं, वो उसकी भी तोहीन करने की कोशिश की जा रही है कि यार ये सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी की नफरत जो है ना वो झलकती है, इधर से भी झलकती है उधर से भी झलकती है, लेकिन खत्म होनी चाहिए ये नफरत। तो जहाँ पे ये नफरत करने वाले हैं वहाँ पे मोहब्बत करने वाले भी हैं, चाहत करने वाले भी हैं, तो ऐसे नफरत करने वालों से ना तो आज तक कुछ हुआ है और ना ही आगे होगा, ना ये नफरतें की वजह से मोहब्बतें कम हुई हैं और ना ही आगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे अगर मौलवी इंडिया के लिए नफरत सिखा रहा है तो वहाँ पे भी लोग आपस में नफरत सिखा रहे हैं कि वो देखिए वो तो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, वो तो जहाद करना चाहते हैं, वो तो फलाना करना चाहते हैं, वो भी ये नफरत को उस लेवल तक नहीं कर सके कि इस माँ का मुंह बंद कर सके, और दूसरे सिखाने वाले भी इस लेवल तक नहीं ले सके कि उस माँ का मुंह बंद कर सकें, और वो जो उस मुँह से उस दिल से बात निकली है कि वो भी मेरा बेटा ही है, ये वो दिल से निकली हुई बात है, उन शब्दों का जो असर है उसको भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।